जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम ठीक मैम। यस मैम। है, तो फिर अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी 2। काइंडली स्टूडेंट्स, सब अपना जो है माइक म्यूट रखें, ठीक है? वे उधर जाएगा ना इनवैलिड, अगर लॉगिन आ रहा है तो फॉरगॉटन पासवर्ड करके उसका भी नहीं। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है हो तो वो ड्यूरिंग द लेक्चर हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है फिजिक्स ऑफ हीट से। दो चार चीजें हैं जो हमने इलेक्ट्रोथेरेपी 1 में भी पढ़ी थी, वही हम अभी रिपीट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हाइड्रोकोलेटर थेरेपी या हाइड्रोकोलेटर जो हमारी वाटर बाथ होती है, वो हीटिंग पैड्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम देख लेंगे फिर फिजिक्स ऑफ हीट्स, ये इलेक्ट्रोथेरेपी 1 में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। फिर सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। फिजिक्स ऑफ हीट में वही चीज़ आ जाती है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि हीट कौन सी एनर्जी की फॉर्म है, हम सबको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो किस तरह प्रोड्यूस होती है? जब वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा विगरस हो जाती है। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मोशन विच इंक्रीज एज द बॉडी गेन्स हीट एंड रिड्यूसेज एज द बॉडी लूजेज हीट। टेम्परेचर क्या होता है? द थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी विच डिटर्मिन्स द इंटरचेंज बिटवीन इट एंड अदर बॉडीज। किसी भी बॉडी का जो थर्मल कंडीशन है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट में हमारे पास आ जाते हैं, ये फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट हैं जो जनरली यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे या मेडिकल एरियाज में, बल्कि नॉन लिविंग या थिंग्स पे भी यही चीजें अप्लाई हो रही हैं। जैसे कि एक्सपेंशन है, फॉर एग्जाम्पल एक आइस का क्यूब है, ठीक है? अगर वो सॉलिड फॉर्म में है आइस क्यूब, आप उसको हीट अप्लाई करते हो तो वो वाटर, एक तो उसकी चेंज ऑफ स्टेट हो जाती है, ठीक है? वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। इसी तरह मजीद हीट अप्लाई करने से उसकी फिर चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगी और वो लिक्विड से गैशियस स्टेट में चला जाएगा। और सेकेंडली एक्सपेंशन, कि सॉलिड में एक वो क्यूब की फॉर्म में था, वो एक्सपैंड हो गया, जब वो लिक्विड बनेगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एक्शन, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? हीट अप्लाई करने से पोलैरिटी भी जो है चेंज हो जाती है सम सब्सटेंसेस की। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन जो है वो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एब्जॉर्ब भी करती है बॉडी और वो बाद में रिलीज भी करती है। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, किसी भी चीज को हम हीट करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी उसका गाढ़ापन, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा विस्कस हमारे पास लिक्विड्स में हनी है, हनी को जब हीट करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये भी हम पहले इलेक्ट्रोथेरेपी 1 में कवर कर चुके हैं, अब इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज थ्रू 3 मेथड्स। वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। नाउ व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द हीट इज ट्रांसमिटेड बाय कंडक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो लेकिन कंडक्शन के लिए उनको गुड कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो जो हॉट या ज्यादा हीट वाला सब ऑब्जेक्ट है वहां से हीट ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू कंडक्शन इनटू द ऑब्जेक्ट विच इज एट लो टेम्परेचर, ठीक है? या एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके टेम्परेचर जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट कंडक्ट होती है। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन एंड दिस इज अकर्स इन द कंडक्टर्स, ठीक है? एंड गुड कंडक्टर्स आर ऑब्वियसली मेटल्स। कन्वेक्शन, नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसमें क्या होता है? ट्रांसमिटेड इन लिक्विड्स और गैस। मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करते हैं मोर विगरसली एंड फ्लाई अपार्ट। फ्लूइड्स एक्सपैंड एंड इट्स डेंसिटी बिकम्स
लेस. अब फ्लूइड्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो अपनी तो स्टेट चेंज करेगा. सेकेंडली उसने लिक्विड या गैस में जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, लिक्विड से गैस की फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के वो ज़्यादा विगरेसली वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. कन्वेक्शन करंट सेट अप एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. रेडिएशन में क्या होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट रेडिएशंस. कौन सी इमिट करती हैं रेडिएशंस? अब इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट करते हैं. विजिबल रेडिएशंस भी हो सकती हैं. विजिबल रेडिएशंस वो होंगी जो हमें आईज से हमें कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टील को बहुत ज़्यादा हॉट कर देते हैं, ठीक है, बहुत एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके वो रेडिश हो जाता है, तो जो रेड कलर हमें नजर आ रहा है दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल रेडिएशन. उसके अलावा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट वो रेडिएशन हैं जो हमें थ्रू द आई, हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो इमिट हो रही होती हैं फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स. ट्रेवल अवे फ्रॉम द पॉइंट एट विच दे आर प्रोड्यूस्ड अंटिल दे एनकाउंटर सम मीडियम विच एब्जॉर्ब्स देम. ट्रैवल करती हैं रेडिएशन जो हैं जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस ऑब्जेक्ट से वहाँ से वो एमिट होती हैं और अपने बाहर का जो मीडियम होता है, फॉर एग्जांपल जो एयर है मीडियम है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड हीट इज प्रोड्यूस. और जैसे ही वो मीडियम फॉर एग्जाम्पल एयर उसको एब्जॉर्ब करता है तो एयर का टेम्परेचर रेज हो जाता है और हीट प्रोड्यूस हो जाती है. मैम ये रेडिएशन का जो टेक्निक है स्वानापात में यूज हो सकती है ना? सोनाबाद में आप कह सकते हैं कि सोनाबाद में ये होता है कि उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उस रूम का, उस सोना का, ताकि जो है बॉडी वो हीट एब्जॉर्ब करे, ठीक है. तो ये रेडिएशन मेथड भी आप इसे कह सकते हो कि बेसिकली रेडिएशन ही हैं जो आपकी उस एक रूम के या सोना के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही हैं. yes. बॉडी उस हीट को बॉडी एब्जॉर्ब करती है. अच्छा, सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज़ में आ जाते हैं हमारे पास जो फिजियोथेरेपी में यूज़ होते हैं, दोज आर द हाइड्रोकोलेक्टर हॉट पैक्स, वर्लपूल बाथ, कॉन्ट्रास्ट बाथ, सोना बाथ एंड हेलियोथेरेपी. आज हम देखेंगे हाइड्रोकोलेक्टर हॉट पैक्स. आप लोगों ने अगर फिजियोथेरेपी का वार्ड देखा है तो वहाँ पे हॉट पैक्स इज़ अ मस्ट, ठीक है. रादर वो थोड़े पुराने स्टाइल का कंटेनर और पुराने स्टाइल के हॉट पैक्स हों, या फिर वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल हॉट पैक्स हों, न्यू स्टाइल के मॉडर्न हॉट पैक्स हैं, लेकिन एक हॉट पैक्स जो है वो एक फिजियोथेरेपी वार्ड में इट्स अ मस्ट मस्ट इंस्ट्रूमेंट. द हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट इज अ स्टेनलेस स्टील टैंक. एक बड़ा सा स्टील का टैंक होता है इन विच सिलिका जेल पैक्स आर हीटेड. जो स्टील का बड़ा टैंक है उसको हम हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट कहते हैं, और जो उसके अंदर पैक्स होते हैं जो बेसिकली जो हम यूज करते हैं हीटिंग के लिए, वो सिलिका जेल पैक्स होते हैं. उसके अंदर सिलिका जेल होती है, ठीक है, हीटेड होती है. जो द कैपेसिटीज ऑफ द मशीन्स वेरी एंड ऑल यूनिट्स हैव इंसुलेटेड बेसिस, द लार्जर मशीन्स बीइंग इंसुलेटेड विद फाइबर ग्लास. इंसुलेटेड बेसिस होती हैं, ठीक है, ताकि जो है अर्थ जो है या जो हमारे फ्लोर से करंट जो है वो उनकी बेस तक ना जाए, इसलिए बेसिस उनकी इंसुलेटेड होती हैं. और मशीन्स के डिफरेंट साइज होते हैं, कुछ बड़े यूनिट्स होते हैं, कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी और उसका यूज कितना है, कितने बड़े सेटअप में हमें चाहिए. द यूनिट्स कंटेन अ वायर रैक विच एक्ट्स एज अ डिवाइडर फॉर द पैक एंड प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ पैक्स विद द बॉटम ऑफ द टैंक. अब बॉटम पे वायर रैक होता है जिसकी वजह से जो आपका जो सिलिका जेल पैड है, ठीक है, वो आपके बॉटम ऑफ द टैंक को टच नहीं करता. द हीटर इज थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्स वाटर इन द यूनिट एट अ टेम्परेचर बिटवीन 65 to 80 degrees Celsius. ठीक है, अब क्या टेम्परेचर होता है जो वाटर होता है उसका, 65 to 80 degrees Celsius तक हम वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं. इट कैन बी लेफ्ट ऑन continuously as long as there is enough water in the tank. और ये एक ऐसा instrument है जो कि normally wards के अंदर almost हर time ही on रहता है, ठीक है. आप इसको सारा time ही on रखते हो, बाकी कोई भी ऐसा instrument नहीं है. For example कोई currents हैं या कोई ultrasound है या कोई tens है, infrared है, किसी भी चीज को आप सिर्फ तब ऑन करते हो जब वो अप्लाई करना हो किसी पेशेंट पे. लेकिन हाइड्रोकोलेक्टर हॉट पैक का जो टैंक है, जो यूनिट है, उसको आप हमेशा ऑन रखते हैं ताकि उसके अंदर वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रहे. जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप उस जेल पैड को निकाल के पेशेंट के ऊपर उसको अच्छे से टावलिंग उसकी करके पेशेंट के ऊपर रैप कर देते हैं, इसीलिए उसको आप ऑन
छोड़ सकते हो. हाइड्रोकोलेटर हॉट पैक इज अ फैब्रिक एनवेलप कंटेनिंग सिलिका जेल. एक कपड़ा होता है, बेसिकली एक फैब्रिक होता है जिसके अंदर सिलिका जेल होती है. द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द जेल इज इट्स कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब मेनी टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड व्हेन हीटेड टू गिव मॉइस्ट हीट फॉर 30 to 40 minutes. अब हम सिलिका जेल क्यों यूज करते हैं हॉट पैक्स में, क्योंकि सिलिका की जो है ये एक कैपेसिटी है कि वो अपनी वॉल्यूम से काफी ज्यादा टाइम्स मेनी टाइम्स मोर वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है. और जब वो हीटेड वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद वो उस हीटेड वाटर को 30 to 40 minutes तक वो जेल पैड जो है सिलिका जेल पैड वो फिर हीटेड रहता है, मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता रहता है 30 मिनट्स तक. 30 to 40 मिनट्स, 40 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना टाइम आप पेशेंट पे अप्लाई भी नहीं करते पैड को. लेकिन ये कि 30 to 40 मिनट्स तक सिलिका जेल पैड रिमेन्स हॉट. द पैक्स आर हीटेड इन अ हाइड्रोकोलेटर यूनिट. पैक्स कम इन वेरियस साइजेज एंड शेप्स. अब जो पैक्स हैं या जो पैड्स हैं वो भी डिफरेंट साइजेज और डिफरेंट शेप्स के होते हैं. द पैक लास्ट अबाउट 6 months. When they begin to wear out, the filler leaks out and makes the water cloudy. They should then be replaced. 6 month तक एक pad ideally use करना चाहिए. और जब वो पुराना होने लगेगा, वो कहीं से wear and tear हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर का जो silica material है, वो water में leak होना start हो जाता है. और इसलिए जो hydrocollator unit का water होता है, वो थोड़ा cloudy सा और muddy सा हो जाता है. तो फिर उसको replace कर देते हैं, pad को भी और water को भी. हाइड्रोकोलेटर हॉट पैक्स इट प्रोवाइड सुपरफिशियल मॉइस्ट हीट. मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है. वेज ऑफ ट्रांसफरिंग हीट टू द पेशेंट इज बाय कंडक्शन. अब कौन सा मेथड है ट्रांसफरेंस ऑफ हीट का, यहाँ पे कंडक्शन मेथड यूज हो रहा है. हीटिंग यूनिट इज कॉल्ड हाइड्रोकोलेटर. इट रेजेज द बॉडी टेम्परेचर टू 40 to 45 degrees Celsius. अब दो टेम्परेचर्स हैं यहाँ पे, एक वाटर का टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 65 to 80 degrees Celsius और बॉडी का टेम्परेचर ही कहाँ ले जाता है 40 to 45 degrees Celsius जब आप अप्लाई करते हो. टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में यही है कि आपने टावलिंग करनी है. टर्किश टावल्स कहते हैं कि 6 to 8 layers ऑफ टावलिंग कर देते हैं आप, ठीक है. टावल की अच्छी खासी मोटी लेयर होनी चाहिए ताकि कोई बर्न ना हो जाए पेशेंट को. स्पेशल या कमर्शियल टेरी क्लॉथ के ब्लैंकेट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं टावलिंग के लिए. लार्ज पैक्स में भी रैप्ड इन बाथ ब्लैंकेट्स. The packs last about 6 months. When they begin to wear out, the filler leaks out and makes the water cloudy. Then they should be replaced. इस तरह का यूनिट होता है हाइड्रोकोलेटर यूनिट, ठीक है. स्टेनलेस स्टील का एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है. और इस टैंक के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि ये जो जेल पैड है इस डायग्राम में ये, ठीक है. इस तरह की सिलिका जेल की फिलिंग है इसके अंदर इंक्लोज, और ये इस तरह आप डिप कर देते हो वाटर में और ये हॉट होता है. इसके बाद इसके ऊपर आप टावलिंग करके पेशेंट पे प्लेस कर देते हो ऑन द बॉडी पार्ट जिसको आपने ट्रीट करना है. मैम जो वायर रैक वाला पॉइंट था वो डायग्राम में का है जी बेटा? मैम वायर रैक वाला पॉइंट डायग्राम में है बेटा, वो यहाँ शो नहीं हो रहा क्योंकि वायर रैक इसके बॉटम पे हो. ये आप देख सकते हो ये ठीक है, बॉटम पे होता है नीचे. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं हाइड्रोकोलेटर पैक्स के? हीट प्रोडक्शन होती है, जनरल टेम्परेचर एलिवेशन की पूरी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट होता है, लोकल इंक्रीज इन टेम्परेचर कि जिस जगह पे हॉट पैक अप्लाई किया है उस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल टेम्परेचर कंट्रोल, कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है जो आपके स्किन के नीचे जो टिश्यू है वो, और जो स्पेसिफिक मसल्स हैं जिन्हें हम हीट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उनका टेम्परेचर हीट होता है. और हाइपरीमिया हो जाता है. हाइपरीमिया कहते हैं व्हेन द ब्लड इज इंक्रीज्ड इन द वेसल्स, ठीक है. तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमने इन्फ्लेमेशन रिमूव करनी है या फिर हमें जो है ब्लड का फ्लो इंक्रीज करना है, सर्कुलेशन इंक्रीज करनी है, तो हम हीट अप्लाई करते हैं ताकि वहां पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाए. तो ब्लड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है उन वेसल्स में और वो इंक्रीज्ड एक फ्लो होता है ब्लड का, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, इसको कहते हैं हाइपरीमिया. अच्छा, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या है कि इफेक्ट ऑन द मसल टिश्यूज, जनरल राइज इन टेम्परेचर, फॉल इन द ब्लड प्रेशर. जब भी हम हीटिंग मोडालिटी अप्लाई करते हैं उससे वेजोडाइलेशन होती है और वेजोडाइलेशन के रिजल्ट में ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, फॉल कर जाता है. Increased activity of sweat glands.
अब टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट हो रहा है कि अगर जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन पे क्या इफेक्ट होगा कि वेजोडाइलेशन इंक्रीज हो जाती है, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, वेजोडाइलेशन इंक्रीज हो रही है, ब्लड प्रेशर आपका फॉल करेगा, इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगी. सेकेंडली, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्यूटेनियस थर्मोरिसेप्टर पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि क्यूटेनियस थर्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, जो उसके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में उसकी जो रिसेप्टर्स हैं, और स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी स्मूथ मसल्स में जो रिसेप्टर्स हैं, और वो भी वेजोडाइलेशन करवा देंगे. तो बेसिकली इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या हम अचीव करते हैं, वेजोडाइलेशन अचीव करते हैं. वेजोडाइलेशन से क्या होता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक एरिया का जहाँ पे हमने हीट अप्लाई की है, और सेकेंडली वहाँ पे जो जनरल बॉडी टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो आपका फॉल कर जाता है. थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, रिलीफ ऑफ पेन सबसे मेजर इफेक्ट है जो हम लेते हैं, रिलीफ ऑफ पेन, इंक्रीज इन द रेंज ऑफ मोशन, ब्रेकेज ऑफ एडहीजन्स, जॉइंट एडहीजन्स होते हैं जो जॉइंट्स में वो ब्रेक करने में हीट हेल्प करती है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्कार टिश्यू, डिक्रीज मसल स्पैज्म, इम्प्रूव बॉडी फंक्शंस. अच्छा जी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है आपके पास हाइड्रोकोलेटर वैक्स की, कि अगर स्किन की सेंसेशंस इम्पेयर्ड हैं तो आपने अप्लाई नहीं करना. क्यों? क्योंकि फिर पेशेंट जो है उसको पता नहीं चलेगा कि स्किन पे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको बर्न कॉज हो सकता है. सर्कुलेटरी डिसफंक्शन हो तो अप्लाई नहीं करना. एनाल्जेसिक ड्रग्स लिए हों, एनाल्जेसिक ड्रग्स वो होंगे पेशेंट ने जो लिए हैं जिससे पेन रिलीफ हो रही है पहले ही, और उससे क्या होता है उससे भी स्किन की सेंसेशन थोड़ी सी इम्पेयर्ड हो जाती है. इन्फेक्शन है, ओपन वाउंड है तो अप्लाई नहीं करना. कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस के केस में अप्लाई नहीं करते. क्यों नहीं करते ट्यूबरकुलोसिस के केस में अप्लाई? इफ एनी स्टूडेंट कैन आंसर जस्ट टेल मी, रेज द हैंड. व्हाई वी नॉट अप्लाई द हीट थेरेपी? फीवर ऑलरेडी फीवर होता है इसलिए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. अगर हम फीवर सेपरेट कर जाता है. हाँ, ये फर्जीन बेटा आप कह रहे हो ट्यूमर स्प्रेड कर जाता है. यस मैम, एग्जैक्टली, ठीक है. ट्यूमर स्प्रेड कर जाता है बच्चों, ट्यूमर मेटास्टाइज कर जाता है जिसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है. तो हीट इंक्रीज करने से ट्यूमर मेटास्टाइज कर सकता है, इसीलिए आप ट्यूब और टीबी का जो ग्रैनुलोमा है वो मेटास्टाइज कर सकता है, इसीलिए कैंसर और टीबी के केस में हम अप्लाई नहीं करते. ग्रॉस एडिमा, अगर फुल बॉडी पे एडिमा है तो भी आप अप्लाई नहीं करते हो हीट थेरेपी. अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पे एडिमा है जैसे लेग में है या हैंड पे है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो तो इन्फ्लेमेशन और एडिमा को ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज करके खत्म कर देगा एडिमा को. लेकिन अगर ग्रॉस एडिमा है, जनरलाइज एडिमा ऑन फुल बॉडी, देन आप अप्लाई नहीं कर रहे. लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, कि पेशेंट कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता, उसको समझ ही नहीं आ रही कि हीट अप्लाई हो रही है तो बर्न भी हो सकता है, और वो उसके जो है परसेप्शन और उसकी जो रिसेप्टर्स हैं वो इम्पेयर्ड हैं उस केस में. डीप एक्सरे थेरेपी किसी पेशेंट की वजह से तब आपने उसको हाइड्रोकोलेटर पैक अप्लाई नहीं करना, ठीक है. ये थी कॉन्ट्राइंडिकेशंस. इसके बाद है हमारे पास एडवांटेजेस क्या है. हाइड्रोकोलेटर पैक इज वेरी इजी टू अप्लाई, इट सेव्स टाइम फॉर द पर्सनल एंड इज एफिशिएंट इन हीट कंडक्शन डिपेंडिंग ऑन द एरिया ट्रीटेड. सुपरफिशियल हीट प्रोवाइड करता है हाइड्रोकोलेटर पैक. टाइम सेविंग होता है, पैक पहले से ही गर्म होता है. पेशेंट आया, आप उसे ईजी कम्फर्टेबल पोजिशन में लिटा के उसको आप अप्लाई कर सकते हो फॉरन ही. द पैक्स आर ऑफ वेरियस साइजेस विच फिट मोस्ट क्लिनिकल नीड्स. मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है विच इज मोर सेडेटिव इफेक्ट देन द ड्राई हीट. मॉइस्ट हीट ऑलवेज जो है वो एक ज्यादा सेडेटिव इफेक्ट देती है देन द ड्राई हीट. और ड्राई हीट का, ड्राई हीट में कौन सी मोडालिटी हम अप्लाई करते हैं? एनीवन, ड्राई हीट अप्लाई करने के लिए कोई किसी भी मोडालिटी का नाम बताते हैं. इंफ्रारेड. हाँ, एग्जैक्टली, इंफ्रारेड, वेरी गुड. इंफ्रारेड आपकी ड्राई हीट अप्लाई करी और वो भी सब सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है, ठीक है. हाइड्रोकोलेटर पैक भी सुपरफिशियली हीटिंग मोडालिटी है लेकिन मॉइस्ट हीट है, और इंफ्रारेड रेडिएशन जो इंफ्रारेड अप्लाई करते हो दैट इज ड्राई हीट, ठीक है. और इंफ्रारेड जो है उसका जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मेथड है दैट इज थ्रू रेडिएशन, एंड हाइड्रोकोलेटर पैक इज थ्रू कंडक्शन.
मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमल टेम्परेचर आर मोर यूनिफॉर्म दैन इन इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड्स. जो इलेक्ट्रिकली पैड्स हम हीट करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर्स आर मोर यूनिफॉर्म दैन इन इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड्स. जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स होते हैं उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इतनी यूनिफॉर्म नहीं होती जितनी हाइड्रोकोलेटर पैक्स में हो सकती है. वो कहीं से ज़्यादा हीटेड हो सकते हैं और कहीं से वो कम हीट भी हीटेड हो सकते हैं. द पेशेंट डज नॉट नीड मच हैंडलिंग. आप हाइड्रोकोलेटर पैक अप्लाई करके वैसे ही पेशेंट से कहते हैं कि वो रिलैक्स करे, उसको ज़्यादा हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. द पैड्स कैन बी लेड आउट रेडी फॉर द पेशेंट टू प्लेस ऑन द अफेक्टेड पार्ट. ये ऑलवेज रेडी होते हैं बिकॉज आप सिस्टम अपना हाइड्रोकोलेटर यूनिट ऑन ही रखते हैं मोस्टली इन द वार्ड. A hydrocollator pack is not easily applied around the shoulder and hips. ये disadvantages हैं. पहले हमने advantages देखे हैं, अब हम disadvantages देख रहे हैं कि shoulder हैं या hip joint है जो round area है उस पर easily apply नहीं कर सकते. कर देते हैं apply, but वो इतना ज़्यादा easy application नहीं है. It is somewhat heavy and should not be used on extremely sensitive patients. चिल्ड्रेन में या सेंसिटिव पेशेंट्स में आप यूज नहीं करते हो सिंस इट कैन क्रिएट डिस्कम्फर्ट. समटाइम्स मॉइस्ट पैक्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉज अ स्किन रैश. ठीक है, कभी कभी ये भी होता है इंफ्रारेड या जो ड्राई हीट है उसके मुकाबले में जो मॉइस्ट हीट है जो आपके हाइड्रोकोलेटर पैक्स हैं वो स्किन रैश कर सकते हैं. डेंजर्स एंड प्रिकॉशंस क्या हैं? बर्न्स मे अकर ड्यू टू इनसफिशियंट टावलिंग. टावलिंग प्रॉपर नहीं की है, कहीं से गर्म था पैक और पेशेंट की स्किन बर्न हो गई है. द टेम्परेचर ऑफ द पैक कुड बी टू हाई. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है पैक का तो फिर क्या करते हैं, फिर आप यूनिट बंद कर देते हो, हाइड्रोकोलेटर यूनिट जो है उसको ऑफ कर देते हो, तो थोड़ी देर में वाटर का टेम्परेचर फिर से बैलेंस पे आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है. या इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है पेशेंट की तो भी आप डेंजर होता है, प्रिकॉशन होती है, अप्लाई नहीं करते हो. डिहाइड्रेशन कैसे कॉज हो सकती है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पेशेंट को, बिकॉज आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो उससे डिहाइड्रेशन भी हो सकती है. एप्लीकेशन इस तरह है कि देखें टावल के अंदर ये इसको जो है हाइड्रोकोलेटर पैक को रैप करके शोल्डर पे, थाई पे, नी पे, एल्बो पे, आर्म पे, नेक, हैंड, बैक पे, तो बहुत अच्छा अप्लाई हो जाता है ये. ठीक है, आप इन सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हो. इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड होते हैं फिर हमारे पास, उसका टेम्परेचर हम 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करते हैं. इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट रेगुलेटेड बाय रेजिस्टर या फिर रियोस्टैट. एक जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग की यूनिट होती है उसको एक थर्मोस्टैट की तरह एक रियोस्टैट होता है जिससे आप उसका टेम्परेचर रेगुलेट करते हो. आज हमने फिर फिजिक्स ऑफ हीट देखी है, सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज के नेम देखे हैं, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन में हमने हाइड्रोकोलेटर हीटिंग पैक्स देखे हैं और साथ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके देखे हैं, उसके थर्म उसके हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी हैं और साथ हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड का टेम्परेचर क्या होता है. इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स को हम काफ़ी कम टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, 40 to 45 डिग्री पे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी? शॉर्टवेव डायथर्मी जो है दैट इज अ डीप हीटिंग मोडालिटी. अदरवाइज सोना बाथ, व्हर्लपूल थेरेपी एंड हॉट पैक्स आर सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज. इन अ हाइड्रोकोलेटर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 65 to 80 degrees, राइट. The way of transfer of heat in a hot pack is conduction. ये आज का लेक्चर था, it's quite easy. तो किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आई तो बताएं. मैम आ गई है. ठीक है, अच्छा आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं बच्चों, लेक्चर का लिंक आपने LMS से डायरेक्टली जो है नेक्स्ट टाइम आपने ऑन योर लेक्चर टाइमिंग 1:00 in Ramzan
ठीक है, 1 o'clock है आपका, तो इसमें आपने LMS खोल के राइट एट 1 o'clock आप सबने मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। वो रिकरेंट मीटिंग लिंक है, तो मैं हर वीक पे या हर वीक में डेली मैं आपको लिंक सेंड नहीं किया करूंगी, ठीक है। आज फर्स्ट डे था तो मैंने आपको बता दिया, LMS से आप लोगों ने लिंक ज्वाइन कर लेना है मीटिंग का डायरेक्टली, और आपका जो लेक्चर है वो भी LMS पे ही अपलोड होगा, और LMS पे ही लिंक होगा गूगल ड्राइव का, जहाँ पे डाउनलोडेड वीडियोज होंगी, रिकॉर्डिंग्स होंगी लेक्चर की, ठीक है। ओके मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैम मैं सर अली रजा के सेक्शन से आपके सेक्शन में आई हूँ, तो मुझे मेल नहीं आई, और मुझे आप LMS पे भी ऐड कर लें। बेटा LMS पे मैं आपको एनरोल नहीं कर सकती अभी, मेरी कैपेसिटी यहाँ पे फिलहाल फुल है। मैं जो है कल अफनान से पूछूंगी कि जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं आप मुझे मेल कर दो, ठीक है, कि आपने सेक्शन अपना चेंज किया है, तो फिर मैं कल अफनान से बात करके आपको एनरोल कर दूंगी, या फिर आप अफनान से को मेल करो कि आपको एनरोल कर दें, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग वगैरह मेल पे भेजेंगे या LMS पे अपलोड करेंगे? LMS पे बेटा, LMS पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी। जी बेटा अभी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना, आपको अलग से वो नजर आ जाएगी, एक जूम के लिंक्स हैं उसके नीचे ही आपके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। और बेटा आप जब जी पोर्टल पे एनरोल होगी ना बेटा, अनम जब आप जी पोर्टल पे एनरोल होगी, जो अफनान आपको करेगा, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे LMS पे एनरोल हो जाओगी, ठीक है। इस दफा ये सेटिंग है कि जो बच्चे जी पोर्टल पे एनरोल हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली LMS पे आ रहे हैं, ठीक है, उनको मैनुअली एनरोल करने की जरूरत नहीं है टीचर को, ठीक है। बेटा वन बाय वन, फातिमा महमूद आप पूछो पहले। मैम आपने बोला ना कि ट्यूमर सेपरेट कर जाता है ड्यू टू हीटिंग, तो मैम आपने लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड में कुछ थोड़ा सा बताया था, वो दोबारा रिपीट कर दें। बेटा बॉडी टेम्परेचर का बताया था मैम, ये आपने जब ट्यूमर का बताया था ना कि ड्यू टू हीट थेरेपी स्प्रेड कर सकता है, तो इसलिए हम लोग नहीं देते, बेटा लेकिन वो तो स्प्रेड कर सकता है ना, देखो ट्यूमर है तो ट्यूमर मेटास्टाइज कर सकता है ना, ट्यूमर है या ग्रैनुलोमा है, टीबी के केस में क्या होता है ग्रैनुलोमा होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का ग्रैनुलोमा, वो जो है स्प्रेड करके आपके, अगर आपके किसी एक पार्ट में है तो वो आपके बोन्स में जा सकता है, स्पाइन में जा सकता है, कहीं भी वो स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। इसीलिए आप ट्यूमर या कैंसर के केस में मेटास्टेसिस की वजह से नहीं देते हो। और लोकलाइज और जनरल का ये था कि लोकल जगह, जिस जगह पे आपने अप्लाई किया ना हॉट पैक, उस जगह का लोकल टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। और जनरलाइज बॉडी टेम्परेचर राइज होने का मतलब है कि जनरली पूरी बॉडी का टेम्परेचर भी तो कुछ राइज होता है ना, अगर आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो जनरलाइज बॉडी टेम्परेचर भी राइज होगा, और लोकल बॉडी टेम्परेचर सबक्यूटेनियस फैट उसके नीचे जो है वो तो राइज होगा ही होगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ अब नेक्स्ट बच्चा क्या बोल रही थी? मैम मैं कह रही थी कि मैंने भी सर अली रजा से चेंज करके आपके सेक्शन में आई, तो मैं भी सर अफनान को ही मेल करूँ? हाँ बेटा, जब आप जी पोर्टल पे मेरे एनरोल हो जाओगे तो आप LMS पे ऑटोमेटिकली हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो और जी पोर्टल पे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपके बैच एडवाइजर है या आपको अफनान करेगा जिस भी तरह, वो मैंने नहीं करना, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली या रहेगी? नहीं, रिकॉर्डिंग जो है, मैं ये क्योंकि पिछले सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो रही थी, तो मैं इस दफा डाउनलोड करके ना गूगल ड्राइव पे पुट कर दूंगी, उसका लिंक होगा तो वो आप फिर गूगल ड्राइव से कभी भी देख सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो LMS पे होगा, स्लाइड्स आपकी PPTs LMS पे होंगी, और जूम रिकॉर्डिंग, जूम का जो लिंक है वो भी LMS पे होगा, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। मैम मैम एक बात है। हाँ बेटा बोलो। मैम फ्राइडे को 1 से 2 तो जुमा ब्रेक होती है, तो फिर हमारी क्लास कितने बजे होगी? सैटरडे को कौन सा जुमा होता है? नहीं बेटा, फ्राइडे और ट्यूसडे को क्लासेस है, मैं अभी आपको देख के बता देती हूँ, अगर फ्राइडे की टाइमिंग्स चेंज है, जो मुझे रमजान टाइमिंग का बेटा वो आया हुआ है उसमें तो वही टाइमिंग है, 1 ही 1 o'clock ही है। मैम फ्राइडे को ऐसे नहीं हो सकता कि 3 बजे ले लें आप?
नहीं बेटा, ऐसे क्लासेस आ जाते हैं, जो टाइमिंग है, जो स्लॉट है, मैम स्लॉट सिक्स दो की दो टाइमिंग बजे है फ्राइडे को, यानी कि लास्ट स्लॉट है, यानी कि वैसे भी 2 बजे ही अरम्भ बेटा। में दो क्लास हो। बजे मेरी दूसरे सेक्शन के क्लास है, 2 बजे भी मेरी क्लास है, तो आपको अपनी क्लास 1 बजे ही लेनी पड़ेगी, ओके मैम। ठीक है? मैम वो हम मेल में ट्राई फ्राइडे करेंगे कि क्लाइमेट हम अलग थोड़ा जल्दी, हम ट्राई कर लेंगे कि से। थोड़ा जल्दी एंड कर दें, ताकि आपको फिर जुमे का टाइम मिल जाए बाद में। जी हाँ बेटा, मैम वैसे हमें जो ईमेल आई थी उसमें रमजान की टाइमिंग्स, वो फ्राइडे की टाइमिंग सेपरेट लिखी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है कि 1 से 2 कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। बेटा मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, अगर इस तरह है तो फिर आपके जो फ्राइडे का जो भी स्लॉट बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू 6 स्लॉट, उसमें ही आपका लेक्चर होगा, वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी टाइमिंग, अगर डिफरेंट हुई तो। मैम उसमें जुमा ब्रेक बताई हुई ओके है, बस मैम 2 से 3 बजे तक होगी। चले, मैं देख के दोबारा अपलोड कर दूंगी अगर फ्राइडे की टाइमिंग डिफरेंट है तो। ठीक है, जी मैम ओके। सेम ही है मैम, डिफरेंट नहीं होगी। लिंक आप तब भी LMS से ही आपको मिलेगा। ओके ओके मैम। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।